जब अपने बिछड़ जाते हैं तो बहुत दुख होता है और कहीं ना कहीं पता नहीं चल पाता है कि अपने बिछड़ कर कहाँ चले गए हैं। दिन रात आदमी ढूंढते हैं, घर वाले ढूंढते हैं, बीवी बच्चे परेशान हो जाते हैं और पता नहीं होता कि हमारे जो चाहने वाले हैं वो कहाँ चले गए हैं। नमस्कार, आप ये सीधी लाइव तस्वीरें देख रहे हैं हरियाणा के ज़िले यमुनानगर के नियासरा दा आश्रय से। जी हाँ, एक ऐसी जगह है जो कि मैं बतवाना चाहूँगा कि साक्षात वहाँ पर भगवान बसते हैं। क्यों बसते हैं भगवान? क्योंकि पता नहीं कितने परिवारों को इन्होंने मिलने का काम कराया है, कितने बिछड़ों को इन्होंने मिलवाया है और कहीं ना कहीं घर से अच्छी सुख सुविधाओं देने का काम जो है आश्रम के लोगों ने यहाँ पर किया है। आप सभी को जानकारी दे दें कि आज से 3-4 साल पहले इनके घर से इनके पति, यानी कि जो महिला देख रहे हैं आप कैमरे स्क्रीन पर, इनके पति जो हैं कहीं चले गए थे, मानसिक संतुलन इनका ठीक नहीं था और कैमरे की स्क्रीन पर जो आप फोटो देख रहे हैं, आज से अगर आपको इनको पहले जब इनको आश्रम में लाया गया था वो फोटो दिखाएंगे तो कहीं ना कहीं आप भी बहुत चक्के रह जाएंगे। स्टेट क्राइम ब्रांच यमुनानगर ब्रांच की तरफ से इनको ढूंढने के लिए जगजीत सिंह और उनकी टीम ने बहुत ज़्यादा जो है मेहनत करी है और मेहनत करने के साथ साथ उन्हें ढूंढने का प्रयास भी किया है। और प्रयास में सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है सोशल मीडिया की, यानी कि आप सबकी। अगर आप वीडियो को शेयर करते हैं तो ऐसे लोगों को प्रोत्साहना मिलती है कि आज जितने लोग गुम हुए हैं उनको इस पता बताने का और पता के साथ साथ उन लोगों को मिलवाने का। जी हाँ, तमाम ये लोग हैं जो बरेली से आए हैं बताने की बात है और चेहरे पे इनके खुशी है। खुशी क्यों है? क्योंकि इनको पता नहीं था, इन्होंने तो ये सोच लिया था कि वो अपनी जीवन लीला समाप्त कर कहीं और चले गए हैं, लेकिन जब इनसे स्टेट हरियाणा ने जो है क्राइम ब्रांच ने इनसे डीलअप किया और इनको बताया कि आपके पिताजी अभी जिंदा हैं, आपके हस्बैंड अभी जिंदा है और वो नियासरा दे आश्रय में बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, जीवन यापन कर रहे हैं, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता है। आप सभी को जानकारी दे देंगे कि काफ़ी सालों से जसकीरत सिंह और उनकी फैमिली इस तरीके से काम कर रही है और सेवा का ये काम करती हुई नज़र आ रही है। जो भी इस वीडियो को देख पा रहा है शेयर ज़रूर कीजिएगा, बातचीत करेंगे क्या कुछ उनका कहना है और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करेंगे। कितने लोगों को मिलाने का काम जसकीरत सिंह ने किया है पूछते हैं। सर नमस्कार, क्या कुछ? नमस्कार जी। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे कि क्या कुछ केस आया था और स्टेट क्राइम ब्रांच की यमुनानगर जगजीत सिंह जी के द्वारा और आपके प्रयासों से ये जो व्यक्ति आप स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कहीं ना कहीं आप अपनी बीवी बच्चों के साथ एक सफल जिंदगी जी पाए? हाँ, मेरे को बहुत खुशी है कि इनकी फैमिली ट्रैक हो गई है। जब हमें मिले थे, मैं आपको अगर दिखाऊंगा एक वीडियो का क्लिप, उसमें इतना मतलब पूरा, ये तो फिर भी ठीक है, पूरा काला और कपड़े भी पूरे काले, मतलब पूरा ही काला हुआ था और बहुत स्मेल आ रही थी कि बीच में ही बाथरूम की भी स्मेल आ रही थी। तो हमें छछरौली में इन्फॉर्म किया तो वहाँ हम पहुँचे तो इनको उठाना, उनको लेके जाना ही मुश्किल हो रहा था, इतना हाइपर हो रहे थे कि वहाँ से उठ नहीं रहे थे और पूरा मच्छर से बहुत ज़्यादा एग्रेसिव और वहाँ पर मतलब कि पोल्यूशन भी इतना था, पर बहुत मुश्किल से वहाँ से इनको रेस्क्यू किया, यहाँ लेके आए। तो अब जैसे जैसे धीरे धीरे हमारी टीम यहाँ पर एक प्रॉपर टाइम टेबल बनाया, जैसे जैसे ये रिकवर हुए और इन्होंने फिर एड्रेस रिवील्ड किया, ये हमारे पास आए, इनको बताया, तो इन्होंने फिर सारी इनसे फिर द्वारा काउंसलिंग करके फिर इन्होंने फैमिली ट्रैक किया। कितने दिन हो चुके हैं जब से ये यहाँ? मेरे हिसाब से ये सर्दियों में हमारे पास आया था, उस टाइम बहुत सर्दी थी और बाहर ही बैठे हुए थे। कई साल हो गए लगभग, आप कह सकते हैं अप्रोक्स साल होने वाला है। हाँ, क्या क्या कुछ कहना चाहेंगे? इतने सारे लोगों को मिलवाते हैं, परिवार पूरा परिवार, आपके फादर और भी आपके जो हैं भाई फ्रेंड्स वगैरह इसी काम में लगे, कितनी आत्मिक शांति मिलती है? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं जब हम छोटे होते थे देखते थे बाहर सड़क पर जो भी ऐसे लोग फिरते थे, हमें ये कहते थे कि ये पागल है, इसके पास नहीं जाना। हाँ, तो पर फिर हमें मालिक की कृपा है कि जैसे जैसे हम मैच्योर हुए तो पता चला कि नहीं, ये पागल नहीं है, इनको काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, इनको केयर की ज़रूरत होती है। तो हम जैसे ही लेके आए उनको, फिर ट्रीटमेंट, मेडिकल ट्रीटमेंट स्टार्ट किया, उनको केयरिंग स्टार्ट करी, फिर धीरे धीरे ये रिहेबिलिट होना शुरू हुए, फिर ट्रैकिंग शुरू हो गई, फिर पता चला कि नहीं, ये इनको एनालाइज करके ये पता चला कि घर में जो सॉफ्ट हार्टेड पर्सन्स होते हैं ना मोस्टली, मतलब कि बच्चों की तरह इनके साथ भी जो सॉफ्ट हार्टेड को कुछ भी कह दिया किसी ने कुछ भी, वो डिप्रेशन ले जाते हैं, डिप्रेशन बर्दाश्त ना करने के कारण सड़कों पे घूमना शुरू कर देते हैं। यहाँ अगर ट्रीटमेंट होता है इनको, मैं तभी सारों से यही गुजारिश करूंगा, कोई भी पर्सन बाहर पड़ा है उसको ऐसा ना समझे वो पागल है, कोई ना कोई अनहैपनिंग कारण घर से निकला है, उनको वहाँ पर आप उनको वहाँ पर खड़े खड़े ही उनकी केयरिंग करके उनका आप ट्रैक करके कोशिश कर सकते हैं। उनकी बीवी हमारे, क्या नाम है आप?
आपका? सोमवती। सोमवती क्या सोमवती क्या काम करती थी आप? झाड़ी करते थे। झाड़ी करते थे, क्या कुछ था? मानसिक तौर पर परेशान थे? हाँ, थोड़ा दिमाग कम था। कितने साल पहले निकल गए थे? ये दो वो साल तो हो गई काफी, मतलब थोड़े फिर 2-3 साल से तो बिल्कुल नहीं मिले थे। मिले थे, क्या कुछ कह के गए थे? नहीं, ऐसे ही चले। कितनी खुशी जाहिर कर रहे हैं मिले आज 3 साल? बहुत खुशी है सबको, उनको भैया प्रभु जी को बहुत बहुत धन्यवाद है हमारी तरफ से, मतलब इन्होंने हमारे पति को मिलवाया। दोबारा आपका सुहाग आपके सामने आ गया, बहुत अच्छे अच्छे सबको, आपको भी तो उम्मीद ही छोड़ दी थी। हमने तो उम्मीद ही छोड़ दी, मतलब सारा ध्यान रखेंगे अच्छी तरीके से। अच्छी तरह से रखेंगे, क्रियाक्रम वगैरह सारा कुछ। अच्छा, क्रियाक्रम भी कर दिया था ना आपने? क्रियाक्रम सारा मिले नहीं थे तो क्रियाक्रम, हमने आस छोड़ दी कि मतलब हमारे विधवा की तरह जीवन जी रहे थे। लेकिन आप एक बार फिर सुहागन हो गई, आपका पति आ गया वापस, आप ध्यान रखेंगे इनका? हाँ जी रखेंगे, पहले भी रखते, बरेली भी इलाज कराया जी। खुशी है तुम्हें? हम गांव में पहुंच गए, फिर आ गए, फिर चले जाएंगे। अच्छा, फिर आएंगे फिर चले जाएंगे। बच्चे पहचान लिए हैं? लल्ला पहचान लिया अपना? ये कौन है? ये कौन है साथ में? बीबी है, जातना इनके मैके। अच्छा, और ये बेटा पहचान लिया है? अब तो नहीं निकलना कहीं ना? अब खुश होने गए? खुश होने गए, ठीक है, खुश होना। बच्चे इनके साथ मौजूद हैं, आप इनके बेटे हैं, क्या कुछ नाम है आपका? खुशी राम। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पता चल रहा है कि काफी साल से पापा नहीं थे, तो करनाल में थे पापा, मतलब कि पहले? हाँ, पहले करनाल में रहते थे, फिर गुम हो गए थे माली जैसे, इनके मतलब थोड़ा दिमाग वैसा था इस करके। तो अब मिल गए, कितनी खुशी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? नियासरा ने इनका ध्यान रखा है, स्ट्रीट क्राइम ब्रांच की यमुनानगर ब्रांच से जगजीत सिंह ने इनको मिलवाने का काम किया, आप लोगों ने मिलवाने का काम किया, क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबके लिए धन्यवाद करते हैं। जी हाँ, धन्यवाद इसलिए बन पाता है क्योंकि आप सभी को बता दें कि किस तरीके से कितने सारे परिवारों को मिलवाने का काम किया है। सर क्या कुछ कहना चाहेंगे? एक और सक्सेसफुल स्टोरी आपके नाम लिखी गई है नियासरे के साथ। सर सबसे पहले मैं धन्यवाद करता हूँ जसकीरत जी का जी, जो इतनी सेवा कर रहे हैं यहाँ पे, इन लोगों को जो ये मतलब कि बोल भी नहीं पाते, उनको इस लायक बनाते हैं कि वो कुछ बोल के अपने परिवार के बारे में थोड़ा बहुत क्ल्यू इनको दे देते हैं, तो ये उसी समय मेरे से कॉन्टेक्ट करते हैं, तो मैं यहाँ आता हूँ, इनकी काउंसलिंग दोबारा करता हूँ। तेजपाल जी की स्टोरी भी कुछ इसी तरह की थी, ये अपना गांव मजुआ बताता था। अच्छा, मजुआ तो बरेली में मैंने ढूंढा मजुआ, तो वहां के लोकल प्रशासन से मैंने टाई अप किया, तो 1.5 महीने तक लोकल प्रशासन मेरे को यही बोलता रहा कि इस तरह का कोई गांव यहां पर नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आस नहीं छोड़ी, तो मैंने वहां के जो डिस्ट्रिक्ट कंट्रोल रूम है वहां में कॉल करके इसके गाँव का पता किया, जो थोड़ा सा लैंग्वेज में वहां के मजुआ बोला जाता है, तो उस गांव में मैंने कॉन्टैक्ट किया, तो वहां का जो लोकल प्रशासन है उन्होंने वहां के गांव के सरपंच से मेरी बात कराई, तो उसके बाद इसकी फैमिली के साथ मेरी रात को 9:30 बजे बात हुई, जब इनको पता लगा कि ओमवती जी को कि मेरा पति जीवित है, खुशी राम को पता लगा कि मेरा पिताजी जीवित है, तो ये बहुत उत्सुक हुए और रात को ही बोले कि मेरी वीडियो कॉल पर बात कराओ, तो मैंने रात को कॉन्फ्रेंसिंग पर वीडियो कॉल जसकीरत जी को की, जो रात को इन्होंने उनसे बात की, तो ये बहुत खुश हुए कि सर क्या कुछ कहना चाहें, कितनी खुशी मिलती है, प्रोफेशन एक तरफ है, एक सामाजिक व्यक्ति होने के कारण, एक ऐसा व्यक्ति होने के कारण कितना कुछ अच्छा एहसास होता है जब दो बिछड़े को मिलाया जाता है, उन्हें तो बिल्कुल ही आस छोड़ दी थी परिवार से। बिल्कुल सर, ये जैसे बता रहे हैं कि 3 साल तक हमें जब ये नहीं मिला तो जो मरणोपरांत जो भी क्रियाक्रम होता है इन्होंने वो सब कुछ कर दिया था, लेकिन अब आप खुद ही देख रहे हो कि इनको कितनी खुशी है इस बात की। और मैं बता दूं कि मैं 5 साल की अपनी सर्विस में एंड टू मैन ट्रैकिंग में 55% को ऐसे मिला चुका हूं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है जब एक परिवार उनसे स्टोरी दिन ब दिन मिलती है। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल ऐसे मिलता है तो बड़ी खुशी होती है। आप सभी को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से, और कहते हैं सक्सेसफुल मैन के पीछे एक वुमेन का बहुत हाथ होता है। मैं आपको देखता था, आपने मतलब कि जसकीरत को इतनी तरीका मतलब कि इतने अच्छे आपने उन्हें मतलब कि इतने अच्छे विचार दिए हैं, इतना अच्छा सिखाया है, आप खुद बहुत यहाँ पर सेवा का काम करती है, मैंने देखा आपको बीच किसी चीज़ के लिए हिचकिचाती नहीं बल्कि प्यार से सबको समझाती हैं, क्या कुछ कहना चाहें, कितनी खुशी आपको महसूस होती है? मेरे को तो बहुत खुशी हुई है कि जी आज अपने घर जा रहे हैं जी, तो एक लेडी जो विधवा का जीवन बिता रही हो, जिसका आदमी घर से चला जाए उसका तो जीवन ही खत्म हो जाता है, खत्म हो जाता है कि उसका कोई है ही नहीं, दुख सोच जितना भी बच्चे कितने भी हो आदमी आदमी होता है, आज उसका आदमी मिला है उसका तो खुशी का ठिकाना नहीं, हमारा भी खुशी का ठिकाना नहीं है कि ये अपने घर जा रहा है। जब यहाँ से लोग जाते हैं ना 150-160 के को अपने फैमिली की तरह रखते हैं,
फिर वो घर का जब ट्रैकिंग होती है तो फिर उसमें तो अलग ही आनंद है। और दुख भी होते हैं कईयों के साथ, अटैचमेंट हो जाता है कि यार दुख होते पर ये खुशी क्या सी, जैसे अपनी बेटी होती है उसको ब्याह करते हैं, खुशी भी होती है वो अपने घर जा रही है तो दुख भी होता है, पर अपने घर तो जो अपने घर में खुशी है वो कहीं भी नहीं है। जी हाँ, तो कहते हैं कि हजारों घरों को नियासरा दे आश्रय ने मिलवा दिया है, और एक ऐसा आश्रम जहाँ पर जो लोग हैं अपनों से मिलते हैं, बिछड़े परिवार अपनों से मिलते हैं और कहीं ना कहीं खुशी का ठिकाना नहीं रह पाता, इनके परिवार का ट्यूशन ठिकाना नहीं है। सर क्या आप कुछ कहना चाहेंगे, इतने अच्छा आपके बच्चे काम कर रहे हैं, आप इस उम्र में काम कर, अगर आपका सहयोग ना होता तो कहीं ना कहीं ये भी इतना अच्छा काम करने की ना सोचते, बड़े बुजुर्गों का साया बहुत ज़रूरी है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हम इतना कहना चाहते हैं जी कि ये न्यासरे का आसरा जो आश्रम है जी, ये सब के लिए संज आए जी, इसमें कोई धर्म का विचार नहीं है जी, इसमें हिंदू भी हैं, मुसलमान भी हैं, नेपाली भी हैं, सब धर्म के आदमी रहते हैं जी, हम उनको एक साथ जानते हैं। कुछ तो आदमी बता ही नहीं सकते कि हमारा कौन सा धर्म है, नाम भी नहीं बता सकते, लेकिन जिस वक्त ये कुछ ठीक होते हैं, दवाई देते हैं तो ठीक हो जाते हैं, पता चलता है भाई ये इनका नाम क्या है या ये कौन से धर्म से हैं, तो हम उनके घर वालों को ट्रेस करके उनके घर भेज देते हैं। आज भी एक फैमिली अपने इसको लेने के लिए आए हैं तो बड़ी खुशी की बात है, जो यहाँ रहते हैं हम उनको खिलाने में इतने खुश नहीं जितना अपने घर भेजने में खुशी है। तो जी हाँ, बिछड़ों को मिलाते हैं और बिछड़ों को मिलाने के साथ साथ एक काम जो है आश्रम के तमाम लोगों के द्वारा किया गया है, धन्यवाद परिवार जो है स्ट्रीट क्राइम ब्रांच का भी करता है, यमुनानगर शाखा का भी करता है और तमाम उन लोगों का भी करता है जो भी इस वीडियो को देख रहा था, शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो हम उस स्वयं को दे दीजिए इजाज़त, ताज़ातरीन खबरों के लिए बने रहे आई बी 24 के साथ, नमस्कार। अब यहाँ तक आ ही गए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आप तक।